हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, आज हम कार्बन के बारे में और कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, कार्बन का जो एटम है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी ज़िंदगी में। ये जो है, ये जो कार्बन का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाएगा, मतलब बिल्कुल अकेला भी, एलिमेंटल फॉर्म मतलब बिल्कुल अकेला भी पाया जाएगा, और जो है ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाएगा, कंपाउंड के फॉर्म में या किसी और एटम के साथ ये बॉन्ड बना के कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाएगा। ये दोनों ही फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, दोनों ही फॉर्म में ये हमारे लिए बहुत इमेंस सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, भले ही कार्बन नेचर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता हो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद हो, फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो फूड, क्लोथ्स, प्लांट, मेडिसिन, बुक्स, वुड, लकड़ी, ये सब के सब जो है कार्बन एलिमेंट्स इनमें जो है मौजूद होता है। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कार्बन पे ही बेस्ड होते हैं, कार्बन उनमें मौजूद होता है। अर्थ की क्रस्ट पे जो कार्बन है उसकी कितनी प्रेजेंस होती है, 0.02%। किस फॉर्म में पाया जाता है, एज अ मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, इस फॉर्म में कार्बन जो है अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की सतह पे पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाएगा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये इस फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। कितना पाया जाएगा, कितने परसेंटेज होगा, 0.03%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन की परसेंटेज है, प्रेजेंस है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं कि जो है कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, कार्बन कैसा होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है ना। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, 2 और 4 होती है। ठीक है, इसका जो इनर मोस्ट शेल होता है, शेल होते हैं ना, KLMN। ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट शेल होता है उसको K कहते हैं, K शेल, और उसके फिर उसके बाद जो होता है वो L शेल होता है, उसके बाद M शेल होता है, और उसके बाद फिर N होता है, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट जो शेल होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, फिर उसके बाद 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-4 है, तो इसके इनर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आउटर मोस्ट में कितना बचा उसका, 6 में से 2 इनर मोस्ट में चला गया, तो बचा कितना, 4। तो जो सबसे आउटर मोस्ट है इसका, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही ये इसका जो सबसे बाहर वाला शेल है वो वैलेंस शेल भी कहलाएगा, और जो उसमें उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन को ज़रूरत पड़ेगी कि या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, या दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। क्या करने के लिए, किस लिए इसको ये ज़रूरत पड़ेगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये जो कार्बन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो सोचिए 4-4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो प्रोटॉन तो उसके न्यूक्लियस में 6 ही हैं, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक टीचर क्लास में 15 बच्चों को पढ़ा रही है, 15 बच्चों की क्लास को पढ़ा रही है, तभी मतलब वो किसी तरह मैनेज करती है, मतलब पढ़ाती है। मान लो अगर 15 बच्चे के बजाय एक टीचर पे 100 बच्चे हो जाएं, तो क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाएगी, कितना अनस्टेबल हो जाएगा क्लास, पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन 6 ही हैं,
तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में कार्बन क्या करेगा, वो जो है अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो उसका आउटरमोस्ट शेल है ना, वो वैलेंस शेल है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको उनकी वो शेयरिंग करेगा दूसरे एटम से, चाहे वो कार्बन का भी एटम हो सकता है जिससे वो शेयरिंग करेगा, या फिर कोई दूसरा मतलब एटम हो सकता, किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है। जिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों एटम्स जो 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 एटम्स शेयरिंग कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे एक दूसरे से, दोनों एटम्स के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, शेयरिंग हो रही होगी उनकी। तो ये ऐसे ये शेयरिंग किस लिए हो रही है, ताकि दोनों ही एटम जो शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे से अपने आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की, तो वो जो है ऐसे क्यों करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, यानी अपने अपने ऑक्टेट पूरी करने के लिए ये लोग ये दोनों एटम्स जो है शेयरिंग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कोई सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को समझने के लिए कोई एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स ले लेते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो हम जो है दो हाइड्रोजन के एटम्स ले लेते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के वैलेंस शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे के साथ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना फिगर में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं और दोनों जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है, दोनों शेयरिंग करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे स्टेप पे देखिए दोनों ने शेयरिंग कर ली है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, इन दोनों ने शेयरिंग की और इन दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, जो ये बॉन्डिंग है उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है इसको हम कैसे दिखाएंगे, आप देख रहे होंगे एच दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो लाइन है, ठीक है, उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इन दोनों जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर का क्या मतलब है कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लड़कियां जो है कान में इयररिंग्स पहनती हैं ना, तो दोनों कानों में पहनती हैं, दो इयररिंग्स होते हैं, दोनों इयररिंग्स की को क्या कहेंगे, 1 पेयर ऑफ इयररिंग्स। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भी पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको कहेंगे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं ना, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रहे हैं, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये बात समझ में आ गई है आप लोग को। और जो दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो लाइन जैसा दिख रहा है वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, किसने दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनाए, ठीक है, वो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के शेयरिंग से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने बात की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। तो देखिए दो ऑक्सीजन एटम ले लिया, फिगर में देखिएगा आप लोग, दो ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, कार्बन का कितना था, 6, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2, 4। अब यहाँ पे देखिए, अब हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 6, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 तो इनर मोस्ट शेल में चले गए इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना, 6, तो 6 जो है आउटर मोस्ट शेल जो है उसका
उसमें जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन एटम्स ले लेते हैं, ओके। फिगर में देखिए 2 ऑक्सीजन एटम लिया है मैंने, अलग अलग कलर में कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो अब जो है इनके पास, इनको भी अब ये जो जो ब्लैक में, ब्लैक कलर में ऑक्सीजन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए। और जो जो रेड कलर में है ऑक्सीजन एटम, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो अब दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो एट्स मतलब ऑक्टेट पूरा, तो मतलब पूरा तो हो जाएगा पर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इनको तो बस 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं। तो ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला ऑक्सीजन, वो रेड वाले ऑक्सीजन से बोलेगा, भाई तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। और ये रेड वाला भी कहेगा, हाँ भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, चलो हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, ठीक है। अब इन दोनों ने हाथ मिला लिया, ठीक है। अब वो जो है, इन दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। अब सेकेंड स्टेप पे आइए, देखिए दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। तो अब आप ब्लैक वाले ऑक्सीजन को देखिए, उसके तो 6 ऑलरेडी थे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग की। तो अब उसको देखिए, वो जो ब्लैक वाला है ऑक्सीजन एटम, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रेड वाले भी अपने साथ शेयर कर लिए। तो अब उसका ऑक्टेट पूरा हुआ, उसके भी शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब आप दूसरा देखिए, रेड वाला ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे इसके आउटरमोस्ट शेल में। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले ऑक्सीजन से ले लिया, तो अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब ये दोनों खुश हैं, इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया। अब इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, और जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर्स बने? 2 पेयर्स बने ना, तो 2 पेयर्स के इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों जो है शेयरिंग करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, O2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई ना आप लोग को? कार्बन का एक कंपाउंड होता है मीथेन CH4, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का, ये मेन कंपोनेंट होता है CH4 मीथेन, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी पाया जाता है। CNG का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है देखिए, CH4 में आपको, CH4 मीथेन है, CH4 में आपको एक कार्बन एटम नज़र आ रहा होगा और 4 हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे होंगे। नज़र आ रहा है, देखिए एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, नज़र आ रहा है ना। देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अभी इसी पे तो डिस्कशन चल रहा है इतनी देर से, क्या होता है? 2 और 4, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में। और हाइड्रोजन का तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होता है, और उसका जो जो शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक ही प्रेजेंट होता है, इसका जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए फिगर में देखिए, देखिए कार्बन है, और इसमें भी मैंने 2 अलग अलग कलर से किया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो।
देखिए जो क्रॉस वाले एटम, जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने वो कार्बन के दिखाए, ठीक है। कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार। तो चार क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं वो कार्बन एटम के हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन रेड कलर में देख रहे हो आप लोग डॉटेड स्ट्रक्चर में, वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, चार हाइड्रोजन के अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये सब जो है कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की अपने अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, चार इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो चारों हाइड्रोजन से कहेगा कि तुम सब मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन अपने दो, ताकि मैं अपने ऑक्टेट पूरा कर सकूँ, अपना जो है आउटर मोस्ट शेल का जो शेल में जो है आठ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकूँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकूँ, ठीक है। और हाइड्रोजन्स भी सारे कहते हैं कि हाँ हमें भी ज़रूरत है, हमें भी अपने अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो चलिए हम सब मिलके शेयरिंग कर लेते हैं। तो सब जो है आ जाते हैं साथ में मिलके, सब अपना मतलब हाइड्रोजन, सारे चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। और ये शेयरिंग करके देखिए सेकेंड स्टेप पे ये सब शेयरिंग करते हैं, तो कार्बन एटम के पास कितने हो जाते हैं, चारों एटम से शेयर करता है, उसके पास खुद के चार इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, फिर उसने चार इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन एटम से लिए, तो चार हाइड्रोजन एटम से उसने चार इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का भी, और हाइड्रोजन के भी चारों हाइड्रोजन्स के भी डुप्लेट पूरे हो रहे हैं। देखिए दोनों उसने भी एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन ने उसके ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसने कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके भी डुप्लेट पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चारों के डुप्लेट अपने अपने पूरे हो गए, तो सब ने अपनी अपनी शेयरिंग करी, हर कोई सेटिस्फाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हैं, कार्बन के का ऑक्टेट पूरा है। अब देखिए तो आप चारों उसमें देख रहे होंगे कि सबने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं ना आपस में। आप चारों उसमें देखिए, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चौथे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, चार अलग अलग हाइड्रोजन के साथ साथ। तो आप देखिए सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है CH4 का, देखिए कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, और सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो है CH4 का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।